Can you guys hear me? Yes, we Yeah. can. We're Wow. just waiting on. So here we are from the सूरत आईनॉक्स एंड सो मेनी पीपल आर वेटिंग कि क्या हो रहा है. मूवी देखी सबने, कैसी लगी? कम ऑन एवरीबॉडी. तो मैं एक छोटे से बात में इतना बता दूंगा कि इन्होंने जब जब मूवी देखी बीच में सीटियां चिल्लाना सब चल रहा था, तो उससे मैंने तो फील ले लिया कि मूवी इनको कैसी लगी है, क्योंकि बिना सीटियों के जब मूवी खत्म हो जाए तो लगता है कि मूवी कैसी थी. बट नाउ सभी को मौका मिलेगा कि सवाल पूछा जा सके, सभी को नहीं मतलब बहुत से लोगों को मौका मिलेगा कि सवाल पूछा जा सके. तो वी वॉन्ट कि अक्षय सर जो कि वहाँ से बहुत ही प्यार से देख रहे हमें, तो वी वॉन्ट कि वो भी कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, और यहाँ से भी कोई कुछ पूछना चाहे तो हाथ ऊपर कर सकता है. यस मैं कुछ बोलना है, मुझे कुछ बोलना है या कुछ चुप रहना है? नहीं, यहाँ से कोई बोलेगा सर फिर आपको बोले, वहाँ पीछे से हाथ ऊपर हुआ है, यहाँ से कोई कोई कुछ पूछना चाहता यहाँ पे दे, है या एक मिनट, सामने या माइक यहाँ पे यस 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 दे. चलो यहाँ पे माइक हम देने जा, वहां से है. मुझे बस इतना ही याद है कि 1984 में एक हाईजैकिंग हुआ था, बस उतना ही याद है. उसके बारे में इतना कुछ नहीं पता था. जैसे जैसे ये बात मुझे पता चलती गई, जैसे जैसे कथा मुझे मुझे पता चली. Recording in progress. Yes, you can continue, sir. That is तो जैसे जैसे ये पता चली घटना के बारे में, वो स्क्रीन पे स्क्रिप्ट और बहुत सारे क्या कहते हैं, जनाब आपके सामने एक इंसान खड़ा हुआ है जिसका नाम है वासु भगनानी. ये देखिए सामने खड़े हुए हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों से सबसे ये हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए, क्योंकि ये दुनिया के प्रोड्यूसर है जिन्होंने ये फिल्म एक फिल्म की जाके शूटिंग की, जबकि पूरा 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 संसार, द होल वर्ल्ड वॉज वेरी क्वाइट एंड नो बडी वुड मूव, बट दिस मैन मेड अ एफर्ट एंड ही मूव एंड वी वेंट. हम स्कॉटलैंड गए और वहां जाके बिना कोई हादसे के, बिना कोई किसी को कोविड हुए, हमने ये सफलता से ये पूरी फिल्म की शूटिंग की. तो सबसे पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, दरखास्त करूंगा एक जोरदार तालियां मिस्टर वासु भगनानी के लिए. अरे वासु जी आप ताली नहीं बजाओ. हाथ जोड़ो सर. अच्छा. अरे दीदार कहाँ, कल ही क्वारंटीन से निकला हूँ, आप फिर दीदार देने आ जाओ, फिर इधर आके फिर मैं क्वारंटीन में हो जाऊँ, मतलब पत्ते के अंदर ही रहूँ 10 10 12 12 दिन. ठीक है, बस ये भी देखिए बहुत बड़ा रिस्क है. इन्होंने देखिए जिनका नाम है वासु बगनानी, कैसे आप सबको लेके इधर लेके आए सूरत में. और मैं बता रहा हूँ ये प्रोग्राम 2 दिन पहले 3 दिन पहले इन्होंने बनाया रात को, और फटाक करके बुक किया और सब कुछ. तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा रिस्क तो ये लेते हैं, और मतलब रिस्क तो मैं भी लेता हूं फिल्मों के अंदर, रील के अंदर, लेकिन ये रियल लाइफ में लेते हैं. तो ये रियल लाइफ के अक्षय कुमार है जी. बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और अक्षय यू लुकिंग सो डैशिंग एंड सो हैंडसम एंड एज फिट एज अ फिडल, इट सीम्स यू आर देयर फॉर अनदर नेक्स्ट 20 इयर्स, यू नो यू विल बी गेट गोइंग. Well, that's the best compliment I've got after a long, long, long time. 20 years तो मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब 50 years इन दिस इंडस्ट्री, 30 तो हो गए, 20 20 साल गुजारना बहुत, वैसे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना वक्त इस इंडस्ट्री में गुजर सके. मैं हमेशा, जब से मैंने इंडस्ट्री में आया हूँ, मेरा एक कमेंट हमेशा रहा, आई वॉन्ट टू बी इन दिस इंडस्ट्री टिल दे हैव टू शूट मी डाउन. ओके, यू नो वी बीन सीइंग दैट जैसे ही आपकी एक फिल्म रिलीज होती है आप दूसरी फिल्म पक्का शुरू करते ही हैं. तो अगली फिल्म किस तरह की है, क्या है, कुछ टाइटल है वासु जी या अक्षय जी बता रहे हैं? हाँ जी वासु जी बताएंगे, आप बता रहे हैं जी स्टोरी या नाम मैं बताऊं? प्रोडक्शन नंबर 41 रखा है ना सर अभी. अरे प्रोडक्शन नंबर 41 रखा है, अच्छा नाम नहीं बताना है, चलो ठीक है. नेक्स्ट टाइम ही मिलते हैं ना हमको. एक्चुअली ये तो बता दीजिए प्रोडक्शन नंबर 41 में आप रोमांटिक फिल्म कर रहे हैं या फिर थ्रिलर? अजय इट इज मैम हेलो, इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ थ्रिलर. ओके, हु इज ऑपरेटेड ऑपोजिट यू? फीमेल लीड? आई एम इंटरव्यू. फीमेल लीड इज राकुल. बोल दिया हां, क्या हुआ? थैंक यू सो मच.
जी मैं आपको आपको बताता हूँ, इट्स अ वेरी अनक्लासिफाइड थिंग, सॉरी डीक्लासिफाइड, इट्स अ वेरी डीक्लासिफाइड थिंग, और इसके बारे में ज्यादा मतलब मैं ये कहूंगा कि हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता थी और ये दो किरदार को लेके एक किरदार में बदला। हाँ जी, असीम अरोड़ा करके राइटर हैं जिन्होंने लिखा है, और इसका श्रेय ऑल्सो मेरे जो डायरेक्टर है रंजीत तिवारी जी, उनकी तो मैं उन दोनों को ये श्रेय देना चाहूंगा। सो दैट वाज आल्सो अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड यू हैव दैट इज नॉट अ पॉइंट सर, दैट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज जस्ट अ इट्स जस्ट अ स्क्रीन प्ले हाउ इट इज। देखिए एवरीथिंग हैज अ बैलेंस, तो चाहे वो थिएटर्स हो, ओटीटी हो, सैटेलाइट हो, एवरीथिंग हैज अ बैलेंस एंड यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ। तो देखिए जब सब कुछ बंद था तो मैंने अपनी फिल्म लक्ष्मी ओटीटी में रिलीज की थी, अब भले ही 50% खुला है तो हम फिर थिएटर में आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके गाइस, एक लास्ट चीज, जिन लोगों को फिल्म पसंद आई है चीयर करो एक बार। सो हाय, माय नेम इज आरजे वीर एंड थैंक यू सो मच। बाहर केक कटिंग होने वाला है, रुकना जरूर। थैंक यू सो मच अक्षय सर, थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू, बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाहर केक कटिंग हो रहा है, कोई